हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस मल्टीमीडिया क्वेश्चंस। नाउ पीजीटी मेल और फीमेल कैटेगरी दोनों में टोटल 18 क्वेश्चंस आए हैं मल्टीमीडिया से। इस वीडियो में हम सिर्फ 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे। मैंने टॉपिक वाइज ग्रुप करके क्वेश्चंस अरेंज किए हैं ताकि हम बहुत अच्छे से टॉपिक को समझ सकें। फर्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू इमेज टाइप्स, JPEG स्टैंड्स फॉर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दिस इज जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। देखो, अगर आप सबको नोटिस करोगे ऑप्शंस को, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। जैसे बी वाला ऑप्शन है, इसमें सिर्फ जॉइन लिखा हुआ है, टी हटाया हुआ है। तो जब भी आप आंसर मार्क करो, बहुत अच्छे से फोकस करके आपको ऑप्शन रीड करना है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज टाइप यूज इज लॉसी कंप्रेशन। देखो, दो होते हैं हमारे पास कंप्रेशन, लॉसी एंड लॉसलेस। तो ये आपको याद रखना है, लोसी आपका हमेशा जेपीजी में होता है। जेपीजी या जेपीईजी एक ही चीज़ है दोनों। इसमें लॉसी होता है, बाकी TIFF, PNG, GIF ये सारे आपके लॉस लेस होते हैं। अब मैं आपको इन सब की भी फुल फॉर्म बता देती हूँ। TIFF इज टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। इसको आप TIFF या TIFF कुछ भी हो सकता है आपको दिया हुआ, बट दोनों सेम होते हैं। सो टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। आपका PNG बहुत फेमस है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। बहुत बार हम इसको ग्रुप समझ लेते हैं कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप, नो, दिस इज पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और लास्ट में आपके पास है GIF, दिस इज ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। सो ये हमें सारी याद रखनी है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम्स इज यूज्ड बाय GIF इमेजेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीमीडिया। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, GIF इमेजेस अभी मैंने बताया, JPG वाली जो आपकी लॉसी होती है, बाकी आपके लॉसलेस होती है, तो GIF भी आपके लॉसलेस होती है। नाउ इसमें आपको फोर टेक्निक्स दी हुई है, लैम्पल्ज़-वेल्क, एरिया इमेज कंप्रेशन, रन लेंथ एनकोडिंग, RLE भी बोलते हैं इसको, चेन कोड्स। नाउ ये सारी आपकी लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक है, मतलब GIF के लिए इनमें से कोई भी हो सकते हैं, इनमें से कोई भी लॉसी नहीं है। बट GIF के लिए हम यूज करते हैं लैम्पल्ज़-वेल्क। जो लैम्पल वाली है, ये आपकी यूनिवर्सल लॉसलेस डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम है, ठीक है। सो ये बात होगी GIF की। अब मैं आपको सबकी बता देती हूँ कौन कौन से इमेज फॉर्मेट में कौन कौन सी यूज होती है। सबसे पहले JPEG की बात करते हैं, इसमें आपके यूज होती है DCT, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक आपका आता है JPEG 2000, इसके अंदर यूज होती है आपकी DWT, डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म। पहले वाले में कोसाइन था, दूसरे में वेवलेट है, तो ये थी JPEG। नेक्स्ट है BMP, BMP इज बिट मैप्ड, इसके फुल फॉर्म होते हैं बिट मैप्ड। ये आपका अनकम्प्रेस्ड होता है, ये भी आपको याद रखना है, इसमें कोई भी कंप्रेसिंग एल्गोरिदम नहीं होती है। फिर आता है हमारा PNG, PNG में होता है आपका डीफ्लेट, ये आपको अगेन याद रखना है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ LZ77 एंड हफमैन कोडिंग। सो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MIDI स्टैंड्स फॉर, दिस इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। नाम से पता चल रहा है कि इंटरफेस है। नाउ जो आपके डिवाइसेस होती है, जो या तो साउंड को मेक करती है, मतलब बनाती है, या कंट्रोल करती है, लाइक आपका सिंथेसाइजर, सैम्पलर, कंप्यूटर, उनको कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। इंटरफेस है तो कनेक्शन के लिए है। नेक्स्ट इज अगेन बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें भी मैं आपको सारे एक्सप्लेन करूंगी। इमेजेस विद कलर डेप्थ ऑफ 8 bits हैव 256 कलर, 2^8 कलर्स, ठीक है। जितनी उसकी डेप्थ होती है, उसको 2^8 किया हुआ है, जो भी है। एंड इट इज नोन एज ट्रू कलर इमेजेस, पैलेट इमेजेस, मोनोक्रोम, हाई कलर। अब मैं आपको सबके लिए बता रही हूँ, मोनोक्रोम के लिए आपकी डेप्थ होती है 1 bit, ठीक है। पैलेट इमेज या फिर ग्रे इमेजेस, उसमें होती है आपकी 8 bit। हाई कलर इमेजेस होती है आपके 16 bits, एंड ट्रू कलर इमेजेस होती है 24 bits। ये इनकी डेप्थ है, बिट्स में है, डेप्थ है, ये आपको सबकी याद रखनी है, ओके। सो इसमें पूछा हुआ 8 bit किसकी होती है, वो होती है पैलेट इमेज, पैलेट इमेज बोल दो, या फिर आप ग्रे स्केल इमेज बोल दो, दोनों की 8 bit होती है। नेक्स्ट इज इमेजेस नोन एज हाई कलर इमेजेस कंसिस्ट ऑफ डैश कलर डेप्थ। अभी मैंने बताया दिस इज 16 bits पर पिक्सल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कलर डेप्थ इज नॉट सपोर्टेड बाई डॉट BMP इमेजेस। बिट मैप्ड इमेज कौन सी सपोर्ट नहीं करती, 8 bit, 24, 128, 16, ये आपको याद रखना है, दिस इज 128 bit। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइम बेस्ड मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है मल्टीमीडिया ऑथरिंग। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है और हर एग्जाम में आता है जिसमें भी मल्टीमीडिया से क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया दूंगी। देखो मल्टीमीडिया ऑथरिंग का मतलब ये है, आपको पता है जब भी कोई मूवी शूट होती है तो उसमें जो आपका वीडियो है वो अलग से शूट होता है और ऑडियो बाद में शूट होता है, या ऑडियो पहले हो जाता है फिर वीडियो होता है, फिर उन दोनों को मर्ज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कि पूरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट लाइक ऑडियो, वीडियो, आपकी एनिमेशन हो सकता है कुछ भी, तो दिस इज मल्टी मीडिया ऑथरिंग, दिस इज नोन एज मल्टी मीडिया ऑथरिंग। और जो हम टूल यूज करते हैं या जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टी मीडिया ऑथरिंग टूल। नाउ नेक्स्ट इज ऑथरिंग टूल क्लासिफिकेशन। ये आपको पूरा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या आपको सारे याद रखने हैं। देखो इसको हम फोर कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, कार्ड या पेज बेस्ड, आइकन बेस्ड और इवेंट ड्रिवन, टाइम बेस्ड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। कार्ड और पेज बेस्ड में आपके ये सारे टूल्स दिए हुए हैं राइट हैंड साइड में, आपको याद रखने हैं। इसमें होता है आपका हाइपर कार्ड एंड सुपर कार्ड, टूल बुक, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट भी कार्ड पे बेस्ड है, रिवोल्यूशन एंड पाइथन कार्ड। देखो बहुत सारे टूल्स होते हैं, ये सिर्फ मैंने वो डाले हैं जो वाइडली नोन है। आइकन बेस्ड में आता है आपका आइकन ऑथर, ऑथर वेयर प्रोफेशनल। तो आइकन बेस्ड में आप याद रखो जैसे ही ऑथर आ जाएगा वर्ड तो वो आइकन बेस्ड है। नेक्स्ट है टाइम बेस्ड, इसमें आपका आता है फ्लैश, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लैश। एंड लास्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसमें आपका एप्पल मीडिया टूल, मीडिया फोर्ज, एमट्रोपोलिस। ओके अब हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइम बेस्ड मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल। अब इसमें टाइम बेस्ड पूछा है, रेवोल्यूशन, माइक्रोमीडिया ऑथर वेव, हाइपर कार्ड, फ्लैश। देखो आपका रेवोल्यूशन एंड हाइपर कार्ड ये दोनों तो कार्ड बेस्ड होते हैं, ये ऑथर वेव वाला है मैंने आपको बताया था, ऑथर से आपको याद रखना, आइकन बेस्ड, सिर्फ फ्लैश है आपका टाइम बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मल्टी मीडिया ऑथरिंग टूल। अभी मैंने आपको फोर टाइप्स बताए हैं, टाइम बेस्ड होता है, कार्ड बेस्ड भी होता है, साउंड बेस्ड नहीं होता, आइकन बेस्ड भी होता है। तो इसमें ये बताया हुआ है कि कौन सा नहीं होता, तो साउंड बेस्ड। नेक्स्ट इज एंड दिस इज आर लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइकॉन्स टर्न्स ऑफ एंड ऑन द विजिबिलिटी ऑफ द लेयर अलाउइंग अस टू सी व्हाट इज बिहाइंड और अंडर द लेयर इन फोटोशॉप इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अगर आपने कभी कोई वीडियो एडिट किया है या इमेज एडिट किया है तो आपने देखा होगा एक ऐसे आई बनी होती है, ठीक है, आप उसको ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, राइट। तो ये आपकी विजिबिलिटी ऑन ऑफ करने के लिए होती है। सो राइट आंसर विल बी आई। सो ये हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं ग्रुप करके, दो तीन कॉन्सेप्ट है जो हमने मल्टीमीडिया के किए हैं। आई होप योर टाइम इज वेल स्पेंट एंड यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।